अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, आपकी छोटी बहन और अम्मी अब्बू आपकी वीडियो में नहीं दिखते। वो हम ऐसे नहीं, मेरा मुंह अभी भी इतना ही मोटा है और हमने ये सब खाया और फिर हम मोटे हो गए। So it's the same night. The rice were so nice. Everybody loved them. मैं तो इतनी conscious हो रही थी, मैंने कहा कि नहीं यार इतने अच्छे नहीं बने because दादी makes the best food in the world. लेकिन they all actually loved it. यहाँ तक कि ताज भाई आए और मुझसे मजाक में कहने लगे, शेरेटन वालों का फोन आया था, मैंने कहा आप मुझसे sarcastically कह रहे ना, तो हंस के कहने लगे नहीं इतना अच्छा था. So it was really nice. I couldn't vlog it. उसी वक्त आयशा's friend also came. तो मैं, दादी, रिजा, आयशा, हम लोग टेबल पर बैठ के बातें करना शुरू हो गए, खाना खाना शुरू हो गए. सो आई डेंट रियली गेट टाइम टू व्लॉग इट. प्लस कभी कभार ऐसे मोमेंट्स को इन्जॉय करना चाहिए रादर देन जस्ट व्लॉगिंग इट. तो मैंने सोचा कि आज जो मैंने वीडियो अपलोड की है, बड़ी जोर का रैंट किया था उसके अंदर, तो मैं उसके कुछ कॉमेंट्स पढ़ती हूँ अभी. सो आई हैव ऑल ऑफ द कॉमेंट्स ओवर हियर. ओ माई गॉड, इट्स जस्ट बिन लाइक एन आवर सिंस आई अपलोडेड इट. And all of you are sending such cute replies, यार बहुत 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 स्वीट हो आप लोग. तो लिटरली आके आप लोगों ने एक जोर की टर्ट से झप्पी दे दूं, आई स्वेयर से. खैर, लेट्स रीड इट. आई लव 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 वॉचिंग योर व्लॉग्स. फील्स लाइक आई फाउंड अ न्यू थेरेपिस्ट. दैट इज सो स्वीट यार, थैंक यू. ब्यूटिफुल डेफिनेशन ऑफ पर्सन हुज रीडिंग दिस कॉमेंट्स, थैंक यू. यू इनडायरेक्टली कॉल्ड मी ब्यूटिफुल, बट थैंक यू. पिज्जा किसको पसंद है? मुझे तो नहीं पसंद वो चीज़, बिल्कुल नहीं पसंद. फातिमा, यू आर सो फन टू वॉच. एंड द फनीएस्ट थिंग इज दैट माई मदर वॉज सेइंग कि तुम फातिमा के व्लॉग्स इसलिए देखती हो कि तुम्हारा खुद का नाम भी फातिमा है. वो भी सकता है, यू नेवर नो. सो एक्साइटेड टू वॉच दिस. माशाल्लाह, मैं अल्लाह ताला ब्लेस दादी जान एंड गिव हर अ हेल्दी लॉन्ग लाइफ. आमीन 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 सो आमीन. आई ऑलवेज लाइक योर वॉइस ड्यूरिंग वर्क, नो रिग्रेट्स बींग डबल माइंडेड. लविंग योर लॉन्ग व्लॉग्स. माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बातें करती हैं आप, गुड फातिमा. बाकी लोग बोलते हैं बोलने दे, लोगों का काम है बोलना. ओके, आप अपने काम की तरफ ध्यान दें. यू आर द बेस्ट गर्ल, थैंक यू सो मच. ऐसे में बहुत 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 सारे इस तरह के मुझे कमेंट्स आए. यू नो व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू, योर व्लॉग आर सुपर नेचुरल, नो शुगर कोटिंग. रियली मेक द वीडियोज लॉन्गर, वी वॉन्ट टू सी मोर ऑफ योर डे. ओ माई गॉड, इफ आई मेक माई वीडियोज लॉन्गर तो वो 40-40 मिनट की वीडियोज बन जाएंगी एंड दैट इज सो हार्ड टू मेंटेन. मैं तो वैसे ही अभी आधे से ज्यादा अपना दिन काट देती हूँ. आई एक्चुअली गो टू कंस्ट्रक्शन साइट्स एज वेल. आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, तो मैं उसके लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे भी जाती हूँ. मैं दोक्ता उसे इतनी बातें करती हूँ, उनके साथ इतना टाइम गुजारती हूँ. फिर ऑब्वियसली इबादत में भी वक्त गुजरता है, फिर दादी के साथ टाइम स्पेंड होता है, फिर आयशा के साथ टाइम स्पेंड होता है, फिर ऊपर वाले भी हैं उनके साथ भी कभी कभी टाइम स्पेंड होता है. इतनी सारी चीजें हो रही होती है ना, आई जस्ट कांट शेयर ऑल ऑफ दैट विद यू गाइज बिकॉज बहुत सब कुछ है, बहुत ज्यादा है. आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू आफ्टर रमजान. इट्स बिन अ रूटीन टू वॉच योर व्लॉग्स, दैट इज सो स्वीट, थैंक यू. इट फील्स सो गुड टू सी योर डेली व्लॉग्स यार, यू गाइज आर टू क्यूट, थैंक यू. आई ऑलवेज गेट सो एक्साइटेड व्हेन यू अपलोड अ न्यू व्लॉग यार. इट्स बिकमिंग माई हॉबी टू वॉच योर व्लॉग्स. अभी अभी आई एम कमिंग फ्रॉम योर ग्लॉसिप्स चैनल एंड नाउ आई एम वॉचिंग योर व्लॉग. How are you guys? So cute. इतने क्यूट फॉलोअर्स कैसे हैं मेरे? ब्यूटिफुल फैमिली. फातिमा, यू आर अ जेम, कसम से, थैंक यू. आई एंजॉय वॉचिंग एवरी व्लॉग, यू आर सो क्यूट. ऑल ऑफ योर व्लॉग्स आर अमेजिंग. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, आपकी छोटी बहन और अम्मी अब्बू आपकी वीडियो में नहीं दिखते. अच्छा, सो नाउ दिस इज समथिंग दैट आई हैव गॉटन अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स ऑन. मतलब आप लोग बहुत क्यूरियस होते हैं इस बात पे कि वेयर आर माई पेरेंट्स एंड वेयर इज माई सबसे छोटी बहन. सो आई थॉट दैट आई विल टॉक अबाउट दिस एंड जस्ट क्लैरिफाई दिस स्मॉल लिटल पार्ट ओवर हियर. बट आई लुक सो बैड, आई डोंट नो व्हाट टू डू. आज पहली बार एक ऐसा दिन था जब मैंने अपने बाल ब्लो ड्राई नहीं किए देर इन देर एक्चुअल हालत एंड देन आई हैव नो मेकअप ऑन, सो आई लुक लाइक दिस. बट या अच्छा, चलो तो अब इस लंबी सी स्टोरी को, लिटरली 25 साल लंबी स्टोरी को बहुत शॉर्ट करके बताती हूँ. इट इज़ एज सिंपल एज दिस
कि व्हेन आई वाज बोर्न आई वाज माय दादा एंड दादीज फेवरेट, सही है. तो आई यूज टू लिटरली स्टे विद दादा दादी ऑल द टाइम. हमारी पूरी फैमिली साथ रहती थी, माय डैड, माय मॉम, माय दादा, माय दादी, हम सब एक ही घर में रहते थे. इवेंचुअली व्हाट हैपेंड के विद टाइम ग्रोइंग लाइक दैट ना, मैं खुद ही खुद अपने दादा दादी से दादा दादी, मैं खुद ही अपनी दादा और दादी जान से करीब होती गई होती गई होती गई, इतना कि आई कुडंट लिव विदाउट देम. मैं लिटरली उन्हीं के साथ उनके बेड पे बीच में घुस के, सोचो इतनी मोटी डम्मो बच्ची, बीच में घुस के उनके सोती थी. दैट्स हाउ क्लोज आई वॉज विद दादा दादी जान बैक इन दैट टाइम. तो इवेंचुअली क्या हुआ दैट माई मॉम एंड माई डैड, थिंग्स डिडंट वर्क आउट. काफ़ी कोशिश की, काफ़ी ट्राई किया, थिंग्स डिडंट वर्क आउट. कभी कभी नहीं करती, इट्स ओके. सो दे स्प्लिट अप. सो यू ऑब्वियसली अंडरस्टैंड दिस कि जब माई मॉम एंड माई डैड स्प्लिट अप तो माई मम्मा वेंट आउट ऑफ द पिक्चर. सो नाउ इट वॉज जस्ट अस फ्यू पीपल इन द हाउस, दादा जान, दादी जान, दोक्ताओ, आयशा, मैं और बाबा. तो हम सब रहते थे एक ही घर में एंड थिंग्स वर प्रीटी प्रीटी गुड अंटिल माई डैडी वॉन्टेड टू मूव अलॉन्ग विद हिज लाइफ एंड ऑब्वियसली परस्यू अ न्यू लाइफ. तो वो मूव आउट हो गए एंड ही परस्यूड हिज न्यू लाइफ. और हम क्योंकि इतने करीब थे दादा दादी जान के साथ, हम उन्हीं के साथ रह गए. लाइक वी डिड नॉट वॉन्ट टू गो एनीवेयर एल्स, क्योंकि हमारे लिए जो घर था दैट वॉज विद दादा जान एंड दादी जान, क्योंकि उन्होंने ही हमें बचपन से पाला था, ख्याल रखा था, मतलब स्कूल भेजा था, सब कुछ, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, ऑल ऑफ दैट वॉज डन बाय दादा जान एंड दादी जान. तभी मैं कहती हूँ कि दादी जान इज माई मम्मी, आई कॉल हर अम्मी, क्योंकि तब से आदत है. तो अब इतने सारे लोगों की फैमिली बहुत छोटी सी रह गई एंड देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंड कि माय दादा जान आल्सो पास्ड अवे. अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन लाहिल आमीन. सो व्हेन माय दादा जान पास्ड अवे इट वाज अ वेरी बिग हिट फॉर आर एंटायर फैमिली, राइट. एक होता है ना, एक फैमिली का एक लीडर होता है, एक बैकबोन होता है. सो व्हेन दादा वो पास्ड अवे, वो बैकबोन बिल्कुल ऐसे हो गई, पूरी फैमिली खोखली हो गई. सो उस टाइम पे हमारा दिल, मेरा तो खैर ठीक था दिल, दादी का दिल नहीं लगा कराची में. एंड दादी वॉन्टेड टू रिटायर इन लाहौर. उनका हमेशा से ड्रीम था कि मैं लाहौर जाना चाहती हूँ एंड आई वॉन्ट टू लिव इन लाहौर एंड दिस एंड दैट. तो वन डे शी कम्स टू अस एंड शी इज लाइक, बेटा पैक योर बैग्स, यू आर गोइंग टू लाहौर. एंड आई एम लाइक, व्हाट व्हाट लाहौर? एंड वी हैड टू गो टू लाहौर. इमेजिन हम चले गए लाहौर, फिर हमारी फैमिली और श्रिंक हो गई कि देयर वाज जस्ट दादी जान, दोक्ताओ, आयशा एंड मी. सो अब जब लाहौर से वापस भी आए हैं, इट्स स्टिल जस्ट अस, दोक्ताओ, बूबू, मैं और दादी जान, बिकॉज दिस इज आवर फैमिली ऑफ फोर. बाबा लिव्स इन हिज ओन हाउस विद हिज ओन फैमिली, माशाल्लाह माशाल्लाह. वी कीप मीटिंग एवरी नाउ एंड देन, बट इट्स जस्ट लाइक मीटिंग एनी अदर रिलेटिव. जिस तरह ताई लोग आते हैं हमारे घर पे, पुप्पो लोग आते हैं, उसी तरह एवरी वीकेंड बाबा कम्स एंड हम मिलते हैं आमना से भी. सबसे मुलाकात होती है, प्यार से रहते हैं एंड दैट इज द सिचुएशन. तो इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बट आई हैड टू टेल यू गाइज, सो दिस इज दैट. Now I'm sure कि ये सुनते सारे comments type करूंगी, where is your mom, where is your mom, why don't we see her anymore, where is her picture, where do you meet her, where is she? So guys, इसका एक बहुत basic सा answer है that when people move on in their lives ना, especially from a marriage that didn't work out, they move on. वो पीछे मुड़ के नहीं देखते. So उन्होंने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और हमने भी उनको आवाज नहीं लगाई, सो दैट वी ऑल्सो लिव अ पीसफुल नॉर्मल लाइफ एंड शी ऑल्सो गोज अहेड एंड लिव्स हर लाइफ हाउएवर शी वॉन्ट्स टू. इट्स एज सिंपल एज दैट. इसमें कोई खिचड़ी नहीं, कोई मसाला नहीं, कोई तड़का नहीं. इट्स जस्ट अनदर स्टोरी, माय स्टोरी. नो, वेट, नॉट माय स्टोरी, दिस इज माय पेरेंट्स स्टोरी. आई एम गोना राइट माय ओन स्टोरी एंड वंस आई एम ग्रोन इनफ टू शेयर इट विद यू गाइज, I will share my story. It's definitely going to be better than this one. Apart from this drama sequel, let's go here क्योंकि यहाँ पे आज थोड़ा interesting day चल रहा है हमारा. कहाँ है बूबू? Hello Rija. Hi. Our Rijus is here for a sleepover. हमने मम्मी को किसी तरह से मना लिया. आयशा आप क्या हमें advice देना चाहेंगी? Just अपने अंदर confidence रखें. Just confidence. कॉन्फिडेंस इज की.
Do you have confidence, Baji? Sometimes when you're feeling like things are all going wrong and you still have ये तुम क्या ये तुम meme बन गई हो पूरी when life is going wrong. When life is going wrong and you still have confidence in you, you will feel like it's gonna all be okay because अच्छा, can you, you not... know you can fix it. That's what confidence does for you. See? You know, like, तुम लोग क्या बातें करो कितने पतले थे तुम लोग. Oh my God, मैं कितनी पतली थी. Strong bone है मेरी यहाँ. Please ये मुझे दिखाओ. एक second. देखिए ये. What? I was so thin. Why did I look so bimar though? Yeah, because when we are losing weight, we tend to look paler. Cancerous. You know, so it's better to be fat and chubby and pink and plump. Because that makes you look more fresh. Show me something. 2 years ago हम ये. दिखाओ दिखाओ दिखाओ. यही तो कहाँ कहाँ दिखाओ दिखाओ किधर हुए थे 2 years ago. 2 years ago हम ऐसे नहीं मेरा मुंह अभी भी इतना ही मोटा है और हमने ये सब खाया और फिर हम मोटे मोटे हो गए. एक दिन में सब कुछ खाए. एक दिन में खाया इतना सब कुछ. ये एक ही दिन की है सब कुछ. हम इतना ठूसते थे हम यार ये मुफ्त में मिलते थे हमें खाने जो हम इतना ठूसते थे. उसने पतली 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 उसमें कौन में ओ ये मैं हूं. व्हाट प्लीज दिखाओ. मैं तो इंस्पिरेशन ले लूं भाई. ये मैं आपको सेंड कर दूं. नहीं प्लीज वेट करो और भी होंगी शायद. नो प्लीज मुझे देखने दो. अच्छा। मैं तो गश खा के बेहोश होने लगी हूँ अभी अभी. गशिंग एंड बेहोशिंग. और मुझे तब लगता था कि मैं इतनी मोटी हूँ इतनी मोटी हूँ. अब देखो मेरा भूथा. अच्छा तुम कितना अच्छा लड़का हो. दैट्स मी. Oh my God, एक तो लंबे बाल ऊपर से पतली शक्ल. I was so pretty. यार आयशा फिर से पतला होना है प्लीज. इतनी पतली हूँ और भी मोटा है. दिखाओ. Dude, that looks so pretty. Oh my God, show me this photo. नहीं वो फुल वाली. कहाँ? ये वाली. ये. Oh my God, you remember this was the first day we ever had sushi? याद है ना ये भी गिरफ्तार थी. Oh my God. मैं मोटी कब हुई? तुम अपना छोड़ो तुम तो अभी भी मोटी नहीं हो. मैं इतनी मोटी कब हुई? बल्कि मैं इतनी पतली कब हुई? मैं हमेशा से ऐसी थी by the way. बूबी तुम अभी भी बहुत पतली सी हो चुन्नी सी हो. बूबू मुझे हमेशा से इस तरह करती रही है बुली ऑन माई लेंजेस. लेंजेस ये जब हम लोग सार वाले चिप्स खाते थे बंटीज के साथ. सच अ वियर्ड फूड कॉम्बो. क्यूट. उफ बस आज इतनी मस्ती हो गई है कि आई कांट इवन टेल यू. इट वाज सो बैडली नीडेड. इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस इतने अच्छे होते हैं. बट खैर आई एम टू टायर्ड राइट नाउ टू इवन थिंक ऑफ मेकिंग सैरी बिकॉज आई हैड द राइस at dinner. So I think I'll probably crash earlier today and wake up next day and talk to you guys. Bye. Before I crash, I want to share something with you guys. So I have been eating the Sugar Bear Hair sleep vitamins and yaar, they have fixed my cycle. I wake up early and I sleep so nicely after having these. Shuru ke din kuch mushkil se the. But ab I know that this has actually regulated my sleep cycle and the taste so yummy. That's the best part. Kyunki isme melatonin hai na. Melatonin helps you sleep better. So nice. It literally aadhi bottle I think main khatam kar chuki hu. See? One last thing before I go to sleep. Please look at how nice my natural curls are. I had missed these. Mashallah, mashallah. Now they're growing. I want them to grow long again. Please. I literally have zero energy today. It's not morning, it's afternoon. Lekin main kafi late uthi hoon because as soon as I woke up, I got a little sick and then I went to sleep again because tabiyat bahut off ho rahi thi. I got so sick. Bilkul abhi dehydrated si feel kar rahi hoon aur energy is bilkul meri zero hui bhi hai. So please forgive me if my energy levels are very down today. कल मेरी सहरी भी नहीं मैंने बनाई एंड आज मेरा कोई इफ्तारी बनाने का भी मूड नहीं है बिकॉज द तबीयत इज सो डाउन. बट आई एम स्टिल व्लॉगिंग फॉर यू गाइज बिकॉज आई स्टार्टेड इट. सो लेट्स फिनिश इट एज वेल. बाय द वे जितनी मस्ती करनी थी जितनी मस्ती देखनी थी यू गाइज हैव ऑलरेडी सीन दैट इन द व्लॉग रात को. आई थिंक वी ऑल हैड अ ब्लास्ट एंड यू गाइज नो दैट. सो देयर इज दैट. तो अब जो भी इफ्तारी में बना होता है चाहे फ्रूट चाट हो या कोई सैंडविचेस हो आई एम जस्ट गोना हैव दैट
एंड आई एम प्रोबेबली गोइंग टू टेक द डे ऑफ बिकॉज मेरी तबीयत लिटरली बहुत डाउन हो गई है. लेकिन अब आगे क्या, आई एम नॉट इन द मूड टू मेक एनी इफ्तारी. आई नो दैट आई एम टू सिक टू, तो जो भी फ्रूट्स वगैरह होंगे आई एम गोना हैव दैट. और आई एम प्रोबेबली जस्ट गोइंग टू ऑर्डर सम वाटरमेलन. है मुझे वाटरमेलन खाना है, कहीं से मंगाना है. अच्छा खैर, सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऑर्डर सम वाटरमेलन और समथिंग. और कोई खास इस तरह का इफ्तारी टाइप सीन नहीं होने वाला. तो ऐसे डेज में एंड इवन व्हेन इट्स गोइंग टू बी दैट टाइम ऑफ द मंथ, आई वुड स्टिल वांट टू कीप अपलोडिंग व्लॉग्स बिकॉज आई स्टार्टेड दिस एंड आई वांट टू डू इट. मुझे मजा आ रहा है. So would you guys be okay if I upload some of the vlogs that I shot pre Ramzan? There are actually lots of them. You'll be surprised. I was vlogging every day but only posting once in a week. So imagine ke mere paas kitne sare footage hogi. So I do have a lot of footage. If you guys would want to watch that footage, but obviously wo Ramzan related nahi hogi, but there will still be some vlogs coming in. So let me know. मैं एक पोल भी लगा देती हूँ अपने चैनल पे, सो दैट यू गाइज कैन वोट ऑन इट एंड देन लेट मी नो इफ दैट इज समथिंग दैट वुड वर्क फॉर यू गाइज. जरा इनके हालात चेक करूँ ना मैं. क्या हो रहा है भाई लड़कियों, व्हाट आर यू गाइज डूइंग? इस टाइम तक तुम लोग सो रहे हो हैं? जागने वागने का कोई सीन नहीं है तुम लोगों का? फाइनली द वाटरमेलन इज हियर. मैंने ऑर्डर कर लिया था, मैं एक हाथ से इसको उठा नहीं सकती. उठा लिया. ओह वाओ. ओह ओके. यू वांट टू सी अ कूल ट्रांजिशन ऑफ मी कटिंग दिस? श्योर. चेक दिस आउट. यम्मी. आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दिस इन द फ्रिज नाउ बिकॉज आई लव वाटरमेलन एंड हु डजंट लव इट. कूल. See you at iftar. Bye, girl. Watermelon sugar. Oh, Ramzan. तुम्हें भी खाना है? लेकिन आज मुझे रोजा नहीं लगा. आज मुझे बहुत रोजा लग रहा है. अम्मी सुने, मुझे सब ये ना आपके पकोड़ों की रेसिपी पूछ रहे थे कि आपकी स्पिनच के पकोड़े कैसे बनाती हैं. So that is our iftar for today. Obviously, it's a fruity iftar for me and Aisha. But then the rest of the jalebis and the rolls and the samosas and the dahi burdas and all the fun stuff. So nice. I love it. And then there's this very lumpy Aisha standing on the chair. Why are you standing on the chair, Aisha? Are you dumb? Anwar running away with his iftari. Bye, Anwar. And there is Rija just seeing what we're doing. I'm also standing on the chair, by the way. Okay, so now we're finally done with the iftar and I finally got some color back into my cheeks. I had literally turned pale today. So I will probably bring you a more entertaining and exciting vlog tomorrow. Probably. Dua karo ki meri tabiyat theek rahe and then I will definitely do that for you guys. Ab tak ke liye, bye-bye.